नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जनपद में आए प्रवासी मजदूर को भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये अनुमन्य धनराशि की सहायता प्रदान किए जाने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राहत पोर्टल पर किए जा रहे प्रवासी मजदूरों की डाटा फीडिंग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि DIO NIC से समन्वय बनाकर औपचारिक व अनौपचारिक रूप से आए प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग का कार्य से संबंधित तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह सभी उप जिलाधिकारी डाटा फीडिंग के कार्यों को मॉनिटरिंग स्वयं करें। डाटा फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि डाटा में त्रुटि पाई गई तो इसके लिए उप जिलाधिकारी तहसीलदार उत्तरदायी होंगे। हमने उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। सर, आज नेहरू हाल में जिलाधिकारी के साथ आप लोगों की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा उस मीटिंग में? आज जिलाधिकारी की व्यापार मंडल के साथ प्रथम बैठक थी जी। आज उनके द्वारा ये जो 8 तारीख के बाद से लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी पर विचार किया गया जी। और हम लोगों ने उनसे बताया कि मिठाई की दुकानें जैसे पहले 7 दिन खुलती थी उसको एज इट इज चालू रखा जाए जी, क्योंकि अगर शनिवार खुलेगी और इतवार बंद करके सोमवार को चलेगी तो मिठाई की गुणवत्ता फर्क पड़ जाएगा जी। दूसरी, औषध व्यापारियों के लिए, दवा के दुकानदारों के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो सैनिटाइजर है अधोमानक भी बिक रहा है और मास्क का DPCO में इसका रेट निर्धारित है, उसी रेट निर्धारित होने पर ये मिले। और जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा कि सभी दुकानें यथावत खुलती रहेंगी और जो जितने बड़े मॉल्स हैं वो 6 डेज ओपन रहेंगे।